बिग बॉस 16 के फिनाले से पहले ही टीना दत्ता को मिल गया नया शो। इस पॉपुलर टीवी सीरियल में होगी टीना की एंट्री। बिग बॉस हाउस में नौटंकी करना क्या टीना दत्ता के लिए रहा फायदेमंद? क्या बिग बॉस हाउस में टीना की एक्टिंग को प्रोड्यूसर ने समझ लिया रियल? क्या कुछ है पूरी कहानी, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता को लेकर एक दिलचस्प जानकारी हाथ लगी है। खबर है कि अदाकारा बिग बॉस 16 खत्म होते ही कलर्स टीवी के एक बड़े शो में नजर आने वाली हैं। रिपोर्ट्स की माने तो टीना दत्ता के हाथ कलर्स टीवी का हिट टीवी सीरियल दुर्गा और चारू लगा है। रिपोर्ट्स की माने तो ये भी पता चला है कि टीना ने ये सीरियल साइन भी कर लिया है। इस टीवी सीरियल में अदाकारा लीप के बाद लीड रोल में नजर आएंगी। अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि टीना शो में दुर्गा या चारू किस किरदार में दिखाई देने वाली हैं। बैरिस्टर बाबू का सीक्वल है दुर्गा और चारू। बता दें कि टीवी सीरियल दुर्गा और चारू कलर्स टीवी पर प्रसारित हो चुके सुपरहिट टीवी सीरियल बैरिस्टर बाबू का सीक्वल शो है। इस टीवी सीरियल को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। इस शो के हिट होने के बाद मेकर्स शो का सीक्वल लेकर आए थे जिसे दुर्गा और चारू का नाम दिया गया, जिसमें बैरिस्टर बाबू के मुख्य किरदारों के बच्चों की कहानी दिखाई जा रही है। इस टीवी सीरियल को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया है। अब शो में जल्द ही एक लीप आने की खबर है जिसमें दुर्गा और चारू के बड़े होने के बाद की कहानी दिखाई जाएगी। खबर है कि लीप के बाद ही अदाकारा टीना दत्ता की एंट्री शो में होगी। उत्तरायण में नजर आई थी टीना दत्ता। याद दिला दें कि टीना बिग बॉस 16 से पहले कलर्स टीवी के ही सुपरहिट टीवी सीरियल उत्तरन में नजर आई थी। उनका ये टीवी सीरियल भी सुपरहिट रहा था। इस टीवी सीरियल से टीना दत्ता रातों रात बड़ी स्टार बन गई थी। टीना का करियर खास रफ्तार नहीं पकड़ पाया। इसके बाद टीना लंबे वक्त तक टीवी की दुनिया से गायब रही थी। अब लगता है कि टीना का करियर फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है। वहीं बिग बॉस की बात करें तो टीना दत्ता को कल रात के एपिसोड में देखा गया कि वो फूट फूट कर रो रही हैं। उन्होंने इसके पहले प्रियंका से बात करते हुए शालीन पर संगीन इल्जाम लगाए थे। कल रात में वीकेंड का वार में सलमान खान ने इसी चीज को, इसी मुद्दे पर बात उठाई और टीना दत्ता रोने लगती हैं। सलमान खान टीना से कहते हैं कि प्रियंका से आप कह रही थी कि शालीन ने ऐसी ऐसी चीजें मांगी हैं कि मैं क्या बताऊं। और इस पर जब वो टीना से सवाल पूछते हैं तो टीना फूट फूट कर रोने लगती है, घर जाने की बात तक कहने लगती है। अब लोग इस पर कॉमेंट कर रहे हैं कि टीना की ये नौटंकी है। आपका क्या कुछ कहना है टीना के नए शो और इस नौटंकी पर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।